हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी एक नई डिश लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है टोस्ट वेज सैंडविच। इसके लिए सबसे पहले ब्राउन ब्रेड लिया हुआ है, इसमें व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, बॉइल्ड ऑनियन लिया हुआ है, इसको हम पोटेटो से मिक्स करेंगे। फिर हमने ब्लैक सॉल्ट लिया हुआ है, हमने भुना हुआ जीरा लिया हुआ है, चाट मसाला है, ब्लैक पेपर पाउडर है, ये पिसी हुई शक्कर है, और ये हमने नमक लिया हुआ है, और ये आधा कप मोजरेला चीज दिया हुआ है। इसके अलावा हमने बीटरूट लिया हुआ है, टमाटो लिया हुआ है, काकड़ी ली हुई है जिसको कुकुम्बर बोलते हैं, और ऑनियन लिया हुआ है जिसको हम कांदा बोलते हैं हिंदी में, और लेमन लिया हुआ है, और हमारा व्हाइट पोटेटो है। अभी आपको इसको बनाने का तरीका सिखाता हूँ। अभी मैंने ये पोटेटो को मैश कर लिया है, देखिए ऑनियन को मैंने इसमें डाल दिया है, और इसके साथ में मैंने एक ग्रीन चिली भी ली थी उसको भी मैंने बॉईल कर लिया, तो थोड़ा सा हल्का सा इसमें अपने को तीखापन का स्वाद भी मिलेगा अपने को। ये हमने ऑनियन डाल दिया, हाफ टी स्पून सॉल्ट आएगा इसमें, तो ये देखिए मोज़रेला चीज़ लिया हुआ, ये हाफ कटोरी लिया हुआ एकदम, तो ये मोज़रेला चीज़ मैंने इसमें डाल दिया। शुगर ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी डाल सकते। मैं हाफ चम्मच शुगर डाला, टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आता है इससे। ये देखिए ब्लैक पेपर मैंने वैसे ही हाफ टी स्पून डाल दिया इसमें, ये भुना हुआ जीरा है, ये मैंने भून के जीरे को डाल दिया है इसमें, थोड़ा सा मैं इसमें काला नमक डालूंगा, इससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। थोड़ा सा मैंने ब्लैक सॉल्ट डाल दिया इसके अंदर, थोड़ा सा मैं चाट मसाला डालूंगा, बाकी हम जब टोस्ट बनाएंगे उस समय हम चाट मसाले को मिक्स करेंगे। थोड़ा लेमन के कुछ ड्रॉप्स मैंने लेमन के इसमें डाल दिए। अब मैं इसको हाथ से देखिए इसका बैटर बनाना होंगे, बैटर बन के तैयार है, ये बैटर आप देख सकते हैं, सभी मसाले मैंने डाल दिए, ये पूरा बैटर बन के तैयार है। ये मैंने अमूल का अपना बटर देख रहे हैं, बटर लिया हुआ है, और मैंने ब्राउन ब्रेड लिया हुआ है, और ब्राउन ब्रेड के अंदर मैं ये बटर लगा रहा हूँ। इसके अंदर इस बैटर को अभी डालूंगा इसके अंदर, ये देखिए ये बैटर को मैंने डाल दिया, ये बैटर को मैंने ब्रेड पे पूरा स्प्रेड आउट कर दिया, ये थोड़ा सा इस पर हम ये चाट मसाला को स्प्रिंकल कर लेंगे थोड़ा सा, फिर टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा इसमें। और उसके बाद में हमने टमाटो डाल दिया इसके ऊपर, ये देख सकते हैं टमाटो। उसके बाद में कुछ हमने कुकुम्बर डाल दिया है, ये कुकुम्बर हो गया है, ओनियन डाल दिया है, और आप देखेंगे ये बीटरूट स्लाइस करके डटा हुआ, टमाटर डाला हुआ है, और ककड़ी भी डाली हुई है। अब इसके ऊपर फिर से मैं थोड़ा सा ये चाट मसाला मैं इस पर डालूंगा, ये चाट मसाला मैंने डाल दिया है इस पर, और चाट मसाला डालने के बाद मैंने ये इसको रख दिया है। अब मैं दूसरी स्लाइस दूंगा, दूसरी स्लाइस में भी थोड़ा सा बटर लगाऊंगा मैं, ये थोड़ा सा बटर मैंने लगाया इसके अंदर। तो मैं थोड़ा सा इसमें आलू का ये वाला मैश को मैं इसमें स्प्रेड आउट करूंगा मैं एकदम पतला, और ये स्लाइस इसके ऊपर आ जाएगी, ये आलू की स्लाइस को मैंने इसके ऊपर अब रख दिया है। टोस्ट करने वाले हैं, तो टोस्ट करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने ये टोस्टर लिया हुआ है, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा बटर डालूंगा इसमें ताकि वो चिपके नहीं, ये बटर को मैंने कर दिया है, और इसके ऊपर बटर लगा दिया ताकि वो ऊपर की तरफ, ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा, इसको हमने इसके अंदर रख दिया है। इसको हमने सेकना स्टार्ट कर दिया है, इसके अंदर आपको फ्लेम को हाई एंड लो फ्लेम पे इससे कुछ ज़्यादा अच्छा है, आपको बीच में हाई कर दो फिर लो करो, क्योंकि लो के अंदर बहुत क्रिस्पी होगा ये। ये देखिए हमारा टोस्ट सैंडविच बनके रेडी है, हमने थोड़ा गार्निश कर दिया है इस पे बारीक सेव, थोड़ा हरा धनिया, और ये सॉस है। अब इसके साथ आप इसका टेस्ट लुफ्त उठा सकते हैं, और ये तो बहुत ही अच्छा ये सीख गया, ये देखेंगे आप, ये काफ़ी अच्छा ये हो गया है। इसके अंदर आलू भी है इसमें, टमाटो भी है, ओनियन भी है, और बीटरूट भी है, जो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और ये हमारा स्नैक्स रेडी हो गया है। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।